नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन सुपर सिक्स। मैं हूं अपर्णा मौजम। आज सुपर सिक्स में बात होगी राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान के बाद छिड़े जंग की। ब्रज के संतों ने आज महापंचायत बुलाई है जिससे पंडित प्रदीप मिश्रा पर फैसला लिया जाएगा। बताएंगे कैसे बड़वानी से लेकर गुजरात तक लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कई लोग उफनती नदी पार कर रहे हैं तो कई रील के चक्कर में स्टंटबाजी कर रहे हैं। बात ग्वालियर के थप्पड़बाजों की भी होगी। बताएंगे कैसे राहगीरों को थप्पड़ मारना बदमाशों को भारी पड़ गया। आपको एक ऐसी मुर्गी दिखाएंगे जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी में रहती है। बताएंगे कहां मिली है सोने की खदान और इंदौर जू में आए हैं कौन है ये नए मेहमान, ये भी जानेंगे। राधा रानी पर बयान दिया है पंडित प्रदीप मिश्रा ने, जो बयान अब उन्हें भारी पड़ गया है। प्रेमानंद जी महाराज से तो सुलह हो गई है लेकिन ब्रज के संत अभी भी नाराज हैं और इतने नाराज हैं कि उन्होंने आज बुलाई महापंचायत। इस महापंचायत में पंडित प्रदीप मिश्रा पर फैसला लिया जाएगा। आखिर क्या है संतों की मांग, देखते हैं। राधा रानी पर रण जारी, अब महापंचायत की बारी। ब्रज के संतों का फैसला, पंडित प्रदीप मिश्रा को मिलेगी सजा। सुलह से भी संत नाराज, निशाने पर प्रेमानंद महाराज। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा घिर गए हैं। पहले प्रेमानंद जी महाराज ने खरी खोटी सुनाई, उनसे सुलह होने के बाद लगा कि मामला सुलझ गया, लेकिन यहाँ तो बात और बिगड़ती नजर आ रही है। प्रेमानंद जी महाराज ने भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा को माफ कर दिया हो लेकिन ब्रज के संतों ने माफी नहीं दी है। इन्होंने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को सजा देने की ठान ली है। ब्रज के संतों, महंतों और धर्माचार्यों ने वृंदावन महापंचायत बुलाई है जिसमें कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर की गई टिप्पणी पर चर्चा होगी। संतों ने ये चेतावनी दी है कि जब तक पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाना आकर माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक संतों का विरोध जारी रहेगा। ब्रज के धर्माचार्यों ने पंडित प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। रास महल में जहां पूज्य रमेश्वर महाराज रास लीला का आनंद लेते हैं शाम को, वहां पर एक महापंचायत होने जा रही है। प्रदीप मिश्रा के द्वारा श्री राधा रानी के बारे में जो अनर्गल वार्तालाप किया गया है, इसी विषय को लेकर के महापंचायत हो रही है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ गुरु सांदीपनी के वंशज रूपम व्यास भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा से नाक रगड़ कर माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वो मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज जी से माफी नहीं मांगते हैं तो वे अपने विद्वत परिषद से बात कर कोर्ट जाएंगे। व्यासपीठ का जो अपमान उनके द्वारा किया जा रहा है, नाक रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए क्षमा मारती, और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए और उनके क्षमा को मांगना चाहिए ताकि उनसे ये अपराध जो हुआ है वो भविष्य में कोई नहीं करे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर टिप्पणी की थी जिस पर प्रेमानंद जी महाराज ने नाराजगी जताई थी। हालांकि बाद में कैलाश विजय वर्गी ने प्रेमानंद महाराज और प्रदीप मिश्रा के बीच सुलह करा दी थी। ब्रज के संत इस पर भी नाराज हैं। प्रेमानंद महाराज को लेकर भी ब्रज के संतों में नाराजगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बरसाना में जारी इस महापंचायत को लेकर अपडेट जानते हैं हमारे सहयोगी नितिन गौतम से, जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव। नितिन, महापंचायत अभी भी जारी है क्या वहां? ये देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो महापंचायत थी शाम 4 बजे शुरू हुई थी जिसमें लगातार जो ब्रज के महंत थे, धर्माचार्य थे, कथावाचक थे और ब्रज के प्रमुख लोग थे, उनके साथ साथ जो आसपास बरसाना के आसपास के इलाके के गांव के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हुए। महापंचायत अभी भी चल रही है। महापंचायत में जो वक्ता है, जो धर्माचार्य है, वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं और किस तरीके से आज जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा जिसमें कि राधा रानी को लेकर एक विवादित टिप्पणी दी थी और उसके बाद वो लगातार उसमें सफाई भी देते रहे थे, उसको लेकर संतों में आक्रोश था और आक्रोश के बाद अभी भी सब अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं और उसके बाद जो है एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर महापंचायत निर्णय लेगी और निर्णय लेने के बाद एक फैसला सुनाएगी जो प्रदीप मिश्रा के खिलाफ होगा, क्योंकि लगातार प्रदीप मिश्रा सोशल मीडिया पर तो सफाई दे रहे हैं लेकिन बरसाना नहीं आ रहे और इसी को लेकर जो बरसाना के साधु संत है, ब्रज के साधु संत, उनका आक्रोश है कि जब तक
प्रदीप मिश्रा अगर बरसाना आकर माफी नहीं मांगे जब तक वो उनको माफी नहीं करेंगे और आंदोलन तेज होगा। महापंचायत में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, संतों ने अपनी बात रखी है, उन्होंने किसी ने कहा है कि अभी तक ये लड़ाई केवल ब्रज के संतों और धर्माचार्यों के बीच में चल रही है, क्योंकि वो भी सनातन की बात करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन ऐसे जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उसको लेकर उनको गद्दी पर जो गद्दी है उस पर बैठने का उनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रदीप मिश्रा को माफ कर देंगे जब वो बरसाना आकर माफी मांगेंगे। तो कहा जा सकता है कि ब्रज के संत हैं, लोग हैं, अभी पंचायत चल रही है, पंचायत में जिस तरीके का फैसला होगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि अभी लड़ाई यहीं तक है और उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, उनको वो अपील करेंगे कि जहाँ जहाँ प्रदीप का कोई कथा हो रही है, प्रदीप मिश्रा को दिखाई दे, उनको उनका वो विरोध करें। तो कहा जा सकता है अभी ताना बड़ा मुश्किल होगा किस तरीके का फैसला भी यहाँ मस्जिद होगा, लेकिन सब अपने निर्णय रखें, इसमें से एक राय इस तरीके की भी है। जी बहुत शुक्रिया नितिन आपका। जैसे ही महापंचायत खत्म होती है आपसे अपडेट हम लेंगे और जानेंगे क्या संत समाज यहाँ पर फैसला लेता है। और दाऊ जी मंदिर लेकिन ये आज प्रवचन नहीं करेंगे। और अब आपको दिखाते हैं कैसे लोग जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। बड़वानी में उफनती नदी के बीच पुलिया पार करने की तस्वीरें आई हैं। एक सरकारी कर्मचारी कार से पुलिया पार कर रहा था लेकिन कार पुलिया पर ही फंस गई। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, ये बात जानते तो सभी हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो मानते नहीं। ये तस्वीरें देखिए, उफनती नदी के पुलिया पर फंस गई है कार। पानी की तेज धार कार को बहा ले जाने के लिए बेताब है। किसी भी पल ये कार जल समाधि ले सकती है, इसमें बैठे लोगों की जान जा सकती है। बताया जा रहा है कि बड़वानी में एक शासकीय कर्मचारी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, इस दौरान पुलिया पर गाड़ी फंस गई। जान आफत में थी लेकिन गनीमत रही कि मौके पर गांव वाले पहुंच गए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इनकी किस्मत अच्छी थी लेकिन यूं उफनती नदी के बीच पुलिया पार करना जानलेवा साबित हो सकता है। अगर पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है तो जान जोखिम में डालकर उसे पार करने की कोशिश खतरनाक है। ऐसा जोखिम क्यों उठाना, क्यों अपनी जान से खिलवाड़ करना, जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। लगातार हो रहे हादसों के बाद भी कुछ युवा जानलेवा रील बनाना नहीं छोड़ रहे हैं। कच्छ के समंदर में कुछ लड़के रील बनाने के लिए थार गाड़ी को लेकर उतरे लेकिन रहरों ने उनका रास्ता रोक लिया। सभी की जान मुश्किल में पड़ चुकी थी, उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। रील ने बढ़ाई मुश्किल, लहरों में फंस गई गाड़ी। रील बनाते वक्त लगातार हादसे सामने आ रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ युवा समझने को तैयार नहीं है। हाल ही में लखनऊ में स्टंटबाजी के दौरान एक शख्स की जान चली गई, ट्रैक्टर उसके ऊपर पलट गया था। वहीं महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक लड़की की कार खाई में गिर गई थी। रील बनाते वक्त ये हादसा हुआ था। अब गुजरात के समंदर से एक नया वीडियो सामने आया है। कच्छ जिले के भादेश्वर में कुछ युवा थार गाड़ी के साथ समंदर के किनारे पहुंचे, मकसद रील बनाने का था। जोश जोश में वो समंदर पर पहुंच तो गए लेकिन लहरों के आगे भला किसका बस चलता है। वीडियो में दो थार दिख रही है, लहरों ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। रील बनाने और स्टंट करने के चक्कर में दोनों कारें पानी के बीच फंस गई। गाड़ियां पानी में आधी डूबती हुई दिखाई दे रही हैं, जो पानी के बीच फंस गई हैं। जो लड़के वीडियो शूट कर रहे थे उनको गाड़ियों से उतारना पड़ा क्योंकि लहरें विकराल होती जा रही थी, कोई हादसा भी हो सकता था। आसपास रहने वाले लोगों की नजर पड़ी तो वो भी अचंभित रह गए। बाद में किसी तरह सभी लड़कों और उनकी गाड़ी को वहां से सुरक्षित निकाला गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी एक्शन में नजर आई, बाद में केस दर्ज कर लिया गया। इसके बाद दोनों कारों के मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 और 184 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। दोनों कारों को भी कब्जे में ले लिया गया है। पिछले दिनों एक और खतरनाक वीडियो सामने आया था।
जिसमें एक लड़की एक इमारत पर झूलती हुई दिखाई दी। उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़ रखा था। रील बनाने के फितूर में वो हवा में लटकी हुई थी, कई फीट नीचे सड़क थी। अगर कोई हादसा होता तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती थी। युवा इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर बटोरे जाएं। ये जानते हुए भी कि ऐसी वीडियो बनाना जोखिम भरा है, कई युवा इसकी परवाह तक नहीं करते क्योंकि उन्हें तो रील को सोशल मीडिया पर डालकर मशहूर होना है। लेकिन रील बनाते वक्त लगातार हादसे सामने आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर बार किस्मत साथ दे दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ग्वालियर में कुछ बदमाश राहगीरों पर थप्पड़ बरसा रहे थे, लेकिन उन्हें बदमाशी भारी पड़ गई। लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस वालों को सौंप दिया। बीच सड़क मारपीट, आखिर माजरा क्या है? पीट रहे लोग और पीट रहे लोग आखिर कौन हैं? मामला जानकर आप भी हैरान पड़ जाएंगे। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं और इनमें जो लोग पीटते नजर आ रहे हैं वो सड़क पर शैतानी कर रहे थे, राहगीरों पर थप्पड़ बरसा रहे थे, लेकिन ये थप्पड़ इन्हें भारी पड़ गया। लोगों ने इन्हें पकड़कर खूब पीटा। ये तो थप्पड़ ही मार रहे थे, लेकिन नाराज भीड़ ने इन पर लात और घूंसों की भी बरसात कर दी। इनकी जमकर पिटाई करने के बाद लोगों ने पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस आई, इन्हें पकड़ कर ले गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आखिर ये युवक राहगीरों को थप्पड़ क्यों बरसा रहे थे, अब इसका पता तो पुलिस ही लगाएगी, लेकिन ये थप्पड़ इन्हें ही बहुत भारी पड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हथियारों के बल पर हिंसा फैलाने वाले नक्सली अब नकली नोट का धंधा भी करने लगे हैं। सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की नोट फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। नक्सली कोराजगुड़ा के जंगल में नोट की छपाई कर रहे थे। इनके पास से 50 से लेकर 500 तक के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। पुलिस को नकली नोट छापने और मार्केट में खपाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई। फौरन जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर की संयुक्त पार्टी सर्चिंग के लिए निकली। मैलासूर, कोराजगुड़ा, दंतेशपुरम और आसपास के इलाकों में जवानों ने अभियान चलाया। इस दौरान जवानों को कोराजगुड़ा के जंगल में देखकर नक्सली मौके से फरार हो गए। इस दौरान टीम को नकली नोट बनाने वाली मशीन, कलर प्रिंटर मशीन, कलर इंक मिला। पुलिस के मुताबिक बड़े नक्सली कैडरों ने हर एरिया कमेटी के एक एक नक्सली को नकली नोट छापने की ट्रेनिंग दी थी और ये नकली नोट छापकर साप्ताहिक बाजारों में खपाया जा रहा है। अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बताने वाले नक्सली नकली नोट खपाकर उन्हीं के साथ छल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके संगठन में कमजोरी और उनके निर्णय लेने की क्षमता पर लगातार फोर्स सवालिया निशान उठा रही है। तो नक्सल संगठन कमजोर हुआ है, आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है, पर नकली नोट उनके संगठन में कितना प्रभावी उपयोग में आएंगे या उनको कितने मतलब सरलता से ये खपा पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जहां एक ओर सुरक्षा बल लगातार माओवादियों पर मुठभेड़ के दौरान कई माओवादियों को ढेर कर दिया, तो वहीं अब माओवादियों के नकली नोट छापने का मामला सामने आया है। सुकमा जिले के भिजी थाना क्षेत्र के अंदर के ग्राम कोपागुड़ा में जब जवानों को सूचना मिली थी कि वहाँ पर माओवादी नकली नोट छाप रहे हैं, मौके पर सर्चिंग की गई तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो नकली नोट छापने के जो दस्तावेज है, प्रिंटर है, स्याही है, इसे बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि कई समय से माओवादी यहाँ पर नकली नोट छापने का काम कर रहे थे। कोई जानकारों का भी मानना है, अगर माओवादी संगठन में आर्थिक कमजोरी आई है तो उसको लेकर अगर माओवादी नकली नोट छाप रहे हैं तो ये बड़ी चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि सुरक्षा बल द्वारा जो ये खुलासा हुआ है इसको लेकर माओवादी संगठन में क्या खलबली मस्ती है। आने वाले दिनों में ऑपरेशन और तेज होंगे और ऑपरेशन के दौरान जो माओवादी के संगठन में जो बचे जो बड़े नेता उन्हें भी ढेर करने की बात बस्तर पुलिस कर रही है।
लेकिन जो माओवादी संगठन ने नकली नोट छापने का मामला प्रकाश में आया है, ये काफी चिंता का विषय है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची हैं। नीता अंबानी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगी। अनंत राधिका की 12 जुलाई को शादी होनी है, उससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने पहुंची नीता अंबानी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस समय वो दर्शन करने के लिए यहां पर आई थी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है नीता अंबानी और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन उनकी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची थी। उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी 12 जुलाई को राधिका से होनी, राधिका मर्चेंट से, उससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में नीता अंबानी दर्शन करने पहुंची हैं। हाँ, आज वो निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ मेरे अनंत और राधिका के शादी का, तो बस श्री के चरणों में ये मैं आज लेकर आई हूं देने के लिए। मछली जल की रानी है, ये हम सभी ने सुना है, लेकिन क्या कोई ऐसा मुर्गा देखा है जिसको पसंद पानी है? एक ऐसा मुर्गा है जिसे पानी से इतना प्यार है कि वो पानी में ही रहता है, अंडे तक पानी में ही देता है। आइए आपको भी दिखाते हैं यह अनोखा जल मुर्गा। मुर्गे मुर्गियां आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या ऐसी भी मुर्गी देखी है जो पानी में ही रहती है, पानी में ही अंडे भी देती है? अगर नहीं तो इधर देखिए, ये है वो अनोखी मुर्गी जो मछलियों को टक्कर दे रही है। इस मुर्गी को पानी से इतना प्यार है कि अपना घोंसला भी पानी में ही बनाती है। लेकिन ये कोई आम मुर्गी नहीं, मुर्गों की एक खास प्रजाति है, नाम है वाटर कॉक। झारखंड के हजारीबाग में ये खूब देखे जाते हैं, जहां स्थानीय लोग इन्हें जलमुर्गा या मुरहन कहते हैं। ये देखने में काफी खूबसूरत होते हैं, बर्ड वॉचर और फोटोग्राफर इन पर नजर बनाए रखते हैं। आप जिस वाटर कॉक की बात कर रहे हैं उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कॉमन मुरहेन, और वो जलीय पक्षी है, यानी कि वेटलैंड का पक्षी है, जो जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन होगा जिस झील में वहाँ रह सकते हैं, जो पानी के बगल में झाड़ी वाड़ी होगी वहाँ भी ये रह सकते हैं। और ये सामान्य मुर्गा से अलग है, सामान्य मुर्गा पानी की ज़रूरत नहीं होती, वो वेटलैंड में नहीं होता, वो जंगल में होता है, जो जंगली मुर्गा होता है जंगल में होता है, और ये पानी और उसके आसपास, यानी कि जो वेटलैंड होना जरूरी है। मानसून के आते ही ये जल मुर्गे झीलों में नजर आते हैं, इन्हें पानी पर रहना काफी पसंद है। ये पक्षी आमतौर पर साल भर पानी के नजदीक के क्षेत्रों में देखे जाते हैं, लेकिन मानसून की शुरुआत के साथ ही ये झीलों का रुख करते हैं और पानी पर अपना डेरा जमा लेते हैं। इसका जो भोजन है, इसका जो नेस्टिंग साइट है, वो सारा वेटलैंड ही होता है, इसलिए उससे ये सभी मामलों में अलग है। 5-6 अंडों को एक बार अपने नेस्ट में डाल के और इनक्यूबेट करता है, और इसके चिक्स तैयार होने के दूसरे दिन ही पानी में कूद जाते हैं। अब पानी में रहना है तो तैरना तो आना ही चाहिए। ये मुर्गे बेहद माहिर तैराक होते हैं, ये पानी के ऊपर घोंसला बनाकर 3 से 4 अंडे देती हैं। अंडों से निकले चूजे 1 से 2 घंटे बाद ही पानी में चले जाते हैं और खूब मजे से तैरते हैं। वहाँ जो वेजिटेशन है, सूखे हुए वेजिटेशन, उसको जमा करके उसके ऊपर ये घोंसला बना लेते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका फ्लोटिंग नेस्ट भी होता है, और बगल के झाड़ी है तो झाड़ी में भी इनका नेस्ट हो सकता है। पक्षी अपना आशियाना पेड़ों पर बनाते हैं। जो बर्ड ज्यादा उड़ नहीं सकते उनके लिए जमीन ही घर है, लेकिन ये जल मुर्गे अनोखे हैं, इनको पानी खूब भाता है। ये जल मुर्गे तालाबों की रक्षा भी करते हैं, उनमें मौजूद कीड़ों को अपना भोजन बनाकर फूड साइकिल को बनाए रखने में मदद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ऊर्जा धानी के नाम से मशहूर सिंगरौली अब गोल्ड धानी के नाम से भी जानी जाएगी। यहां मिला है गोल्ड का भंडार, जिसमें गोल्ड ही गोल्ड है। अब यहां सोने की खदान शुरू करने की तैयारी है। आखिर कहां मिला है ये सोने का खजाना, देखते हैं। सोना कितना सोना है, ये सवाल आजकल सिंगरौली पूछ रहा है। प्रदेश की ऊर्जा धानी सिंगरौली में सोने की खदान मिली है।
जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर चितरंगी तहसील के गुड़हर पहाड़ में सोना पाया गया। अब सोने की खदान के लिए वन विभाग ने 149 हेक्टेयर की जमीन आरक्षित कर दी है। खनिज अधिकारी AK राय ने बताया कि कुंदन गोल्ड माइंस को ये खदान आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ कितना गोल्ड है इसका पता लगाया जाएगा। सिंगरौली के चितरंगी तहसील में दो गांव हैं, सिधार और सिलफोरी, और ये वहाँ एक वन भूमि है, ये 149 हेक्टेयर इलाका है, गुड़हर पहाड़ कहलाता है। तो कुंदन गोल्ड माइंस को सोने की खदान आवंटित हुई है। अभी वो उसमें पहले पूर्वेक्षण अनुपति करेंगे, PL करने के बाद ही वहाँ पे स्थिति स्पष्ट होगी कि कितना गोल्ड का डिपॉजिट वहाँ पे इस पूरे संपूर्ण एरिया में प्राप्त होगा। पहाड़ में गोल्ड है ये बात जानकर ग्रामीण खुश हैं। इनका कहना है कि उन्होंने पहाड़ में सोने की बात को सुना था लेकिन कभी गोल्ड देखा नहीं था। अब उन्हें उम्मीद है कि गोल्ड की खदान शुरू होने पर गांव को भी फायदा होगा। हाँ, पता चला लाख सोना बाय। हाँ, उतना नहीं जाना तो कहा ना कि सोना बाय। कौन पहाड़ है? गुरहर। तो यहाँ सोना है? हाँ। फैक्ट्री कंपनी लगल रही है? हाँ। तो कुछ लाभ अपनों बचन का मिले? तब कहे ना मिले। हाँ। बेलाभ को ना यहाँ खुली ना। हाँ। लाभ चाहिए कि वैसे मनाई कहाँ जाई। हाँ। कुछ मिली तब ना कुछ करी खाई। मेरे को देखे पता नहीं है पर लोग आते हैं वहाँ से बोलते हैं कि इसमें सोना है, बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ। ये कौन सा पहाड़ है, कितना पुराना पहाड़ है? बहुत पुराना पहाड़ है, इसमें इसका नाम है गुरहर पहाड़। हाँ। तो आप लोगों को कब पता चला कि यहाँ सोना है? अरे करीब करीब होगा 2-4 साल पहले से चढ़ा है। MP की धरती में न जाने कितने खजाने छिपे हैं। प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और अब सिंगरौली में सोना मिला है। लोगों को उम्मीद है कि गोल्ड से इलाके की तरक्की होगी, ग्रामीणों को भी फायदा होगा। मध्य प्रदेश की ऊर्जा धानी सिंगरौली अब गोल्ड धानी के नाम से भी जानी जाएगी। ये गुड़हर पहाड़ है, जिस गुड़हर पहाड़ में सोना मिला है। हालांकि इसके लिए खनिज अधिकारी का दावा है कि 149 हेक्टेयर की भूमि वन भूमि जो आरक्षित कर ली गई है। ठीक मेरे पीछे जो देखा जा रहा है कंपनी का कैंप है, जहां कंपनी जो है तो अपना कैंप बिठा के यहां तमाम टेस्टिंग और जो अन्य कार्य हैं उनको पूरा करने का काम कर रही है। हालाँकि इसके खुदाई के लिए कितने फिट नीचे सोना है यह कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हो चुका है कि इन जो पहाड़ है, गुड़हर पहाड़ है, इस पहाड़ में 149 हेक्टेयर के दायरे में सोना पाया गया है। इसके लिए बाकायदे अब कंपनी सोना निकालने का काम करेगी। हरीश द्विवेदी, न्यूज 18 सीधी। तो इसी के साथ सुपर सिक्स में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।